हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को इंग्लिश एमसीवी करवाने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपका आगे का क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। ये आपका चैप्टर है बीरबल आइडेंटिफाई थेप्स। ओके, आज मैं आपका आगे का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, डेट है आपका 26/5/20। फिल इन इच ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ आपका कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको यहाँ फिल करना है। ओके, फर्स्ट नंबर है आपका एन आर्मी ऑफ। ठीक है, एन आर्मी ऑफ, तो यहां देखिए आर्मी है तो आपका क्या हो जाएगा, सोल्डर। ठीक है, यहां देखिए सेकंड नंबर ए बंच ऑफ। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मीन्स गुच्छा होता है, तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, थर्ड नंबर है ये ए क्लास ऑफ, क्लास में स्टूडेंट, तो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। ओके, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर, यहां क्या हो जाएगा, फ्लावर, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ए डेक ऑफ कार्ड्स, ए डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स। ओके, अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन फॉर इच ऑफ दीज। ठीक है, फर्स्ट नंबर है ए बंच ऑफ। ठीक है, यहां आपका ऑप्शन दिया हुआ एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ए बंच ऑफ। ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा ग्रेप्स, आंसर आपका क्या होगा, ग्रेप्स। टू नंबर देखिए ए क्राउड ऑफ। ठीक है, ए क्राउड ऑफ, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा पीपल, क्या हो जाएगा आंसर, पीपल। थ्री नंबर में देखिए ए फ्लेट ऑफ, तो यहां आपका आंसर होगा शिप, यहां बोट्स दिया हुआ है, शिप दिया हुआ है, ट्रक दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, शिप होगा, क्या होगा, शिप होगा। फोर, ए फ्लाइट ऑफ, ए फ्लाइट ऑफ, तो स्टारस नहीं होगा, स्टेप नहीं होगा, पिजन होगा। ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ क्या हो जाएगा, पिजन, क्या हो जाएगा, पिजन। फाइव नंबर देखिए ए डैश ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, कैनल, ए डैश ऑफ डॉग्स, यहां आपका आंसर होगा कैनल। सिक्स नंबर में ए डैश ऑफ स्टार, तो आंसर यहां हो जाएगा गैलेक्सी, आंसर आपके क्या होगा, गैलेक्सी। ठीक है, सेवन नंबर में आइए ए डैश ऑफ थेप्स, ए डैश ऑफ थेप्स, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, गैंग, बी नंबर, गैंग, सेवन का आंसर हो जाएगा बी, गैंग। अब आइए एट नंबर डैश ऑफ ट्रीज। ठीक है, डैश ऑफ ट्रीज, तो अ गार्डन ऑफ ट्रीज, इसका आंसर ए होगा, अ गार्डन ऑफ ट्रीज। आगे हम देखते हैं, यहां है लिशन अबाउट अ फ्यू जॉब्स दैट पीपल डू, देन फिल इन इच ब्लैंक्स
विथ द करेक्ट वर्ड्स. ओके, यहां देखिए, आई वर्क विथ अ डैश टू डिग सॉइल. यहाँ फॉर्क है, स्पेड है और स्पून है. तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा स्पेड. ठीक है ना, जो मिट्टी को काटता है. ठीक है, स्पेड. I use a dash to water plant. तो यहां हो जाएगा होज. क्या हो जाएगा आंसर? होज. I am always in the middle of beautiful nature. ठीक है, यहां आंसर आपका हो जाएगा नेचर. ये क्या है? फ्लावर है, जो मिट्टी के अंदर है, बहुत सुंदर लगता है. वो क्या है? तो वो फ्लावर है. ठीक है, once open a time I used to every home. तो यहां हो जाएगा विजिट. आंसर क्या होगा? विजिट. ठीक है, I wear a dash uniform, उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है खाकी. I purchase and letter. ठीक है ना, पार्सल एंड लेटर. वो क्या परचेज करता है? डिलीवर. क्या डिलीवर? सबके घर में पहुंचाता है, पार्सल पहुंचाता है और लेटर पहुंचाता है. तो IMO वो कौन है? तो वो पोस्टमैन है, उसकी खाकी वर्दी है, वो घर घर जाके लेटर और पार्सल पहुंचाता है. तो वो कौन है? वो पोस्टमैन है. ठीक है, अब यहां देखिए, I am always dressed in dash cloth. उसके कलर कैसे हैं? कलरफुल हैं. ठीक है, I wear a dash cap on my head. उसके हेड पे कैसा कैप है? कोनिकल. कैसा कैप है? कोनिकल कैप है. I make people dash. उसे देख के लोग क्या करते हैं? लाफ करते हैं, हंसते हैं. तो I am a joker. वो कौन है? वो जोकर है. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं. यहां आप देखिए, कुछ पिक्चर आपको दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं? कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी बनानी है. यहाँ पे देखिए, स्टोरी आपका दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपको फिल करना है. ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, One day a crow found bread on the grass. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? ब्रेड लिखिएगा. एक दिन कौवा था, वो उसे एक घास पे एक रोटी मिली. ठीक है, इट टुक द ब्रेड एंड वेंट टू हिल. ठीक है, ए जैकल कम बाय एंड सॉ द क्रो ऑन ट्री. The jackal also went it. The clever jackal went under tree and sighed. Oh, you are such a beautiful crow. If only I could hear your beautiful voice. Won't you please let me listen?
द फूलिश क्रो वॉज फिल्ड विथ प्राइड आफ्टर हियरिंग इज प्राइजेज एंड स्टार्टेड टू सिंग. द मोमेंट क्रो स्टार्टेड टू सिंग द ब्रेड फिल ऑफ एंड द जैकल पिक्ड इट अप एंड रन अवे. ठीक है, ये स्टोरी हम लोग पढ़े हुए हैं कि कौआ होता है जिसे कि एक रोटी मिलती है तो एक जैकल जो होता है, भेड़िया जो होता है, वो उसे देखता है तो कहता है अरे इस कौए के पास रोटी है, मुझे ये ले लेना चाहिए. और वो जाके कौए की बड़ाई करता है कि तुम तो गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरी बड़ा प्रशंसा कर रहा है. तो कौवा गाना गाने लगता है और जब जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है उसी समय उसकी रोटी क्या होती है, नीचे गिर जाती है और भेड़िया जो होता है वो रोटी लेकर वहाँ से भाग जाता है. ठीक है, तो इसमें कौवे को फुलिस बताया गया है कि वो कौवा क्या है, मूर्ख है. ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट. नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी. थैंक यू.